तो चलिए हम कैलाश देख के आते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को भोलेनाथ का नाम लेके उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। तो साल के 360 दिन बर्फ से ढका हुआ बहुत ही अद्भुत साइंटिफिक मैजिकल सीक्रेट का भंडार और कई डिफरेंट टाइप्स के कलर को दर्शाता है कैलाश पर्वत। ओशन से कई हजार फीट ऊपर साइंस को भी ना पता चले वैसी उसकी व्यवस्था। शिव का आवास, पार्वती का निवास, गणेश जी की फेवरेट जगह है ये कैलाश पर्वत। तो ये कैलाश कहाँ है? जीते जी क्या एक इंसान कैलाश जा सकता है? क्या सच में भगवान इस धरती पर निवास करते हैं? इस पर्वत की ऊपरी भाग पर क्या है किसी को आज तक नहीं पता, बट 2015 में गूगल मैप्स के सैटेलाइट से कुछ फोटोस ली गई थी और उस फोटोस में कुछ ऐसा पाया गया। इस सारी फोटोस में ना कुछ एडिटिंग या ना कुछ छेड़खानी की गई है, और एक ऐसी भी फोटो है जहां हमें बर्फ से बना हुआ वोम दिखाई देता है। कैलाश पर्वत ओशन से 21,771 फीट ऊपर तिब्बत देश में हिमालय की श्रेणी में बना है। इस कैलाश पर ही देवों के देव महादेव और माता पार्वती का निवास स्थान है। 1950 में इंडो चाइना वार के कारण जब चाइनीज आर्मी तिब्बत में दाखिल हुई और चाइनीज इंडियन बॉर्डर्स के वजह से शिव भगवान के निवास स्थान कैलाश की यात्रा 1954 से लेके 1976 तक रोक लगाई गई थी। उसके बाद बस थोड़ी संख्या में चाइनीज गवर्नमेंट परमिशन देती है इस पर्वत का दर्शन करने के लिए। विष्णु पुराण में ऐसा भी जिक्र किया है कि माउंट कैलाश के चार फेसेस जो क्रिस्टल, गोल्ड, रूबी एंड ब्लू डायमंड से बने हैं। इससे सारे साइड में 6 पर्वत होने के कारण आज तक लोग इस कैलाश पर्वत के आउटर सर्कल में परिक्रमा करते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती इसके इनर सर्कल में परिक्रमा करने की। पूनम के रात को जब माउंट कैलाश पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है तब कैलाश का दर्शन बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। माउंट कैलाशा को अपदिशा कहते हैं। इसका मतलब इसका कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं है, ये हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलते रहता है। माउंट कैलाशा का डिस्टेंस 52 किलोमीटर है और भक्तों का मानना है कि इसे बस एक ही दिन में पूरी परिक्रमा करने से बहुत शुभ माना जाता है। जो भी इंसान सबसे हेल्थी हो और हुसैन बोल्ट की स्पीड से भागता है उसे भी इसकी परिक्रमा करने को 15 घंटे का समय लगता है, और अपने जैसे नॉर्मल जनता के लिए ये 3 दिन का समय लेता है। इसको एक दिन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल माना जाता है। माउंट एवरेस्ट को 5,294 लोगों ने सक्सेसफुली क्लाइम कर चुके हैं, और कैलाश पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से 2,000 फीट कम है इसको आज तक किसी ने भी सक्सेसफुली चढ़ाई नहीं की है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ अद्भुत सुपरनेचुरल पावर्स का अनुभव होता है। यहाँ पे टाइम 7 गुना तेजी से आगे बढ़ता है। एक माउंटेनर ने कैलाश की चढ़ाई करने की कोशिश की और वो एक साल में ही जवान से बूढ़ा हो गया और एक साल में ही उसकी डेथ भी हो गई। हिंदू, जैन और बुद्धिज्म में ऐसा माना है कि कैलाश पर्वत पर पैर लगाना पाप है, और जो भी इस मान्यता को गलत साबित करने निकला वो कभी जिंदा वापस नहीं आ पाया। 1936 में हुई ग्रुटलिच नाम के ब्रिटिश माउंटेनर इस पर्वत पर पहली बार चढ़ने की कोशिश की तो अचानक लास्ट मोमेंट में उसे अपना डिसीजन बदल लिया।
इस दुनिया में योग करने का सबसे पवित्र जगह माउंट कैलाश माना जाता है। भारत सरकार जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कैलाश मानसरोवर यात्रा रखती है। काठमांडू के कुछ प्राइवेट एजेंसीज इस यात्रा की अरेंजमेंट्स करती है। कैलाश पर्वत के नीचे के भाग में मानसरोवर झील है। हमें इस मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत दिखाई देता है। 1980 में रेनहोल्ड नाम के इंसान को एक चांस दिया गया था चाइना के गवर्नमेंट से, पर उस इंसान ने इस मौके का फायदा नहीं किया। उसके बाद साल 2001 में स्पेन माउंटेनर जीसस मार्टिनोवा के अंडर एक ग्रुप चाइना गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई थी। कैलाश पर्वत हिंदू जाति का सबसे पवित्र जगह माना गया है। इस कारण चाइना गवर्नमेंट पर बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता गया और चाइना ने ये डिसीजन पीछे ले लिया। तो तब से आज तक चाइना ने किसी को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशंस नहीं दी है और इस पे पूरी तरह पाबंदी है। माउंट कैलाश एक लोटस फ्लावर की तरह दिखाई देता है। कैलाश पर्वत बीच में है और उसके साइड में 6 छोटे माउंटेन्स हैं। कैलाश से शुरू होने वाली ये 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नल 4 अलग डायरेक्शन में जाती है और इस दुनिया को 4 अलग भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवास अपनी आखिरी दिनों में कैलाश पर्वत की यात्रा किए हैं। हिंदू पुराण ये कहते हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस ब्रह्म मुहूर्त में भोलेनाथ इस मानसरोवर में नहाने आते हैं। मानसरोवर से 4 किलोमीटर के पास राक्षस स्थल है। ऐसा माना जाता है कि ये राक्षसों के द्वारा बनाया गया है। मानसरोवर का पानी मीठा और राक्षस स्थल का पानी नमकीन होता है। राक्षस स्थल में एक मछली या जानवर पाया नहीं जाता। माउंट कैलाश इस दुनिया का सेंटर माना गया है। एक रशियन साइंटिस्ट ने कई मंथ्स कैलाश पर्वत की स्टडी की और कहा कि यह एक मैनमेड माउंटेन या पिरामिड है। हिमालयस के अंदर बहुत सारे पर्वत हैं, पर जो फीचर्स इस कैलाश पर्वत को है वो किसी और पर्वत में नहीं दिखाई देती। ह्यूमन ब्रेन को ना समझ आने वाली ऐसी कई बातें हैं जो एक कैलाश अपने पास छुपा रखा है। कैलाश के दर्शन भक्तों के लिए एक अनोखा अनुभूति है। हम अपनी बातों से इसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। हर हर महादेव शंभो शंकर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।